एक नए खबर के अनुसार AMD अपने नए नेमिंग कन्वेंशन के साथ आने वाला है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इस वीडियो में हम उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे आने वाले AMD के मोबाइल प्रोसेसर का नाम काफी ज्यादा बदलने वाला है। एंड इस वीडियो को थोड़ा कॉपी पेन साथ में लेकर के देखना वरना बीच में पक्का सर तुम्हें बर्फ के अंदर देना पड़ सकता है। पुराने जमाने में इट वॉज अप्रोक्स सेम लाइक इंटेल, जैसे कि राइजन 3 एट लोअर साइड एंड राइजन 5, राइजन 7 एंड मोस्ट पावरफुल राइजन 9 लाइक इंटेल i3, i5, i7 एंड i9। वही सेम यू सीरीज फॉर थिन एंड लाइट लैपटॉप्स विद 15W TDP, HHS या HX रिलेटेड सीरीज फॉर गेमिंग एंड हायर परफॉर्मेंस लैपटॉप विद 45-55W TDP। बट 2023 से ये सब देख के मालूम नहीं पड़ेगा कि प्रोसेसर कैसा है एंड कितना पावरफुल है। इस नए नेमिंग के अनुसार प्रोसेसर नाम 5 हिस्सों में डिवाइड होंगे, जिसका पहला हिस्सा होगा ईयर। इट मींस अगर प्रोसेसर के आगे 7 है तो इट मींस ये 2023 का बिल्ड है, 8 है तो इट मींस ये 2024 का है एंड 9 है तो इट मींस ये 2025 ईयर का बिल्ड प्रोसेसर है। इट्स नॉट राइजन 7, 8 और 9 एनीमोर। सो 2023 में आने वाले सारे AMD के प्रोसेसर 7 से ही स्टार्ट होने वाले हैं, 3 या फिर 5 नहीं दिखेंगे आपको। ऑल्सो इससे ये पता चल रहा है कि राइजन 8000 सीरीज 2024 में आने की संभावना है। एक्चुअली इसके पीछे का मेन रीजन इज AMD पुराने प्रोसेसर को Zen 4 के अंदर लाने वाला है, जैसे कि कोड नेम बेंडिसिनो। ये होंगे Zen 2 के प्रोसेसर जो 2020 में लॉन्च हुए थे, अब ये भी 7000 के नाम के साथ आने वाले हैं। नेक्स्ट विद कोड नेम बार्सिलो एंड रिमब्रांड, ये रिफ्रेश्ड वर्जन वाले होंगे। आगे अगर 7 है इसका मतलब ये नहीं कि ये 2023 का ही नया जन वाला प्रोसेसर है, ये ओल्ड वाले भी हो सकते हैं। इसको थोड़ा डीप में हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको बताएगा मार्केट सेगमेंट लाइक 1 से 9 तक होगा, जहां 9 का मतलब हुआ राइजन 9 मोस्ट पावरफुल एंड फीचर्स से भरा प्रोसेसर, 8 का मतलब हुआ या तो ये राइजन 7 है या फिर राइजन 9, 1 का मतलब हुआ ये एथलॉन सिल्वर सीरीज का प्रोसेसर होगा यानी सबसे वीकेस्ट वाला। थर्ड नंबर विल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चर, मींस कि ये Zen 2 का है, Zen 3 का या फिर Zen 4 का। अगर थर्ड में 3 आता है इट मींस ये Zen 3 या Zen 3 प्लस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड ये Zen 3 है या Zen 3 प्लस, इसको बताने के लिए आपको फोर्थ नंबर पे ध्यान देना पड़ेगा, विच इज फीचर आइसोलेशन। इसके दो हिस्से होंगे, या तो ये 0 होगा या फिर 5। जीरो का मतलब है ये नॉन प्लस वाले माइक्रो आर्किटेक्चर सीरीज का प्रोसेसर है लाइक Zen 3, यानी ये 5000 सीरीज वाले प्रोसेसर हैं। एंड 5 का मतलब हुआ ये प्लस वाले माइक्रो आर्किटेक्चर सीरीज का प्रोसेसर है लाइक Zen 3 प्लस, यानी 6000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स। लास्ट वाले जो कैरेक्टर है वो सेम ही होंगे लाइक यू सीरीज, HX, HS एंड सो ऑन। इसमें दो नए वेरिएंट्स को लॉन्च किया है AMD ने, जिसमें पहला है C, इसका मतलब है ये स्पेशली डिजाइंड फॉर क्रोमबुक टाइप का लैपटॉप्स एंड विद 15-28W TDP। एंड लास्ट वन इज E, ये फैनलेस डिवाइसेस के लिए होंगे विद 9W ऑफ TDP। ये काफी ज्यादा पावर कम यूज करेंगे एंड टॉप ग्रेड बैटरी बैकअप देगा। एज ये ओल्ड प्रोसेसर जो AMD ठूसने वाला है बीच बीच में, आपको एक अप्रोक्स आइडिया देने के लिए ताकि आप कोई गड़बड़ वाला प्रोसेसर ना ले लें, जस्ट लुक एट, अगर आपको 7X20 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है इसका मतलब ये Zen 2 का प्रोसेसर है विच इज मेंडिसिनो। सेकंड में आ रहा है X का मतलब इट कैन बी फ्रॉम एथलॉन सिल्वर टू राइजन 9 एनीथिंग। थर्ड डिजिट वाले 2 का मतलब है ये Zen 2 का है। एंड लास्ट में 0 का मतलब ये नॉन प्लस माइक्रो आर्किटेक्चर वाला है। नेक्स्ट अगर 7X30 का प्रोसेसर देखने को मिलता है इसका मतलब ये बार्सिलो सीरीज का है एंड Zen 3 वाला विद नॉन प्लस माइक्रो आर्किटेक्चर का है, मतलब 5000 सीरीज का रिफ्रेश्ड प्रोसेसर हो सकता है। अगर 7X35 होता है तो इसका मतलब ये रिमब्रांड है विच इज Zen 3 प्लस, इसलिए लास्ट में 5 आया है। ये 6000 सीरीज वाले AMD के प्रोसेसर हो सकते हैं। अगर 7X40 है तो इसका मतलब होगा ये फिनिक्स सीरीज का प्रोसेसर है, इट मींस ये एक्चुअल का Zen 4 सीरीज वाला 7000 प्रोसेसर होगा बट फॉर अल्ट्रा थिन गेमिंग लैपटॉप्स के लिए। एंड अगर ये 7X45 का प्रोसेसर होगा तो ड्रैगन रेंज वाला हो सकता है एंड ये होगा मोस्ट पावरफुल Zen 4 बेस्ड 7000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर। अगर आपको मैक्स परफॉर्मेंस वाले गेमिंग नोटबुक चाहिए तो आपको AMD सीरीज के राइजन 7045 सीरीज ड्रैगन रेंज वाले प्रोसेसर की तरफ जाना चाहिए। इफ यू वांट AMD's लेटेस्ट अल्ट्रा थिन SoC फॉर गेमिंग एंड मोबिलिटी तो आपको फीनिक्स वाले प्रोसेसर की तरफ जाना चाहिए विच कैन बी राइजन 7040 सीरीज। ओवरऑल नेक्स्ट टाइम प्रोसेसर बाय करते टाइम ये याद रखना कि फर्स्ट नंबर तो एटलीस्ट बदलने वाला है नहीं, 2024 तक एक साल तक वैसा ही रहेगा। सेकंड नंबर में कभी भी 1 या 2 नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट 3 हो जो राइजन 3 को दर्शाता है, ये सबसे कमजोर हो सकता है शायद एंड सस्ता भी हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर में एटलीस्ट 3 के ऊपर होना चाहिए इन 2023 प्रोसेसर, इट मींस ये Zen 3 या Zen 3 प्लस वाले प्रोसेसर होंगे एंड ये कंफर्म करने के लिए 6000 ही है। ऊपर वाले हिस्से की तरफ ध्यान दीजिए, यानी थर्ड डिजिट में 3 के साथ लास्ट
फोर डिजिट जो है वो एटलीस्ट एक 5 हो ना कि 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये Zen 3 प्लस वाला होगा यानी 6000 सीरीज का मिनिमम। सो ये था एक बेसिक लेवल का जानकारी ऑफ न्यू नेमिंग कन्वेंशन ऑफ न्यू AMD सीरीज प्रोसेसर्स। ये जानना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में बहुत सा कंफ्यूजन होने वाला है नेम को लेकर के। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्लैरिफाई करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।